हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जानदा से। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। हम यूपी वाले तो कल ही मना रहे हैं, क्योंकि हमारे में संक्रांति मतलब खिचड़ी और मराठी लोग में तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला। आज की तारीख में गोड़ गोड़ बोला तो निकल ही गया, लेकिन सबके लिए बहुत बहुत बधाई। और दूसरी पहले काम की बात, देखिए कल है शनिवार। कल हमारे यहाँ अन्नू जी सारा किन्नर समाज आने वाला है, क्योंकि जब भी हम कोई बड़ी पूजा करते हैं तो अन्नू जी हमारी पूजा वो आके पूरी करती हैं, जिसके लिए हम उनका किन्नर समाज पूरा बुला रहे हैं, जिसमें एक किन्नरी साधना होती है, जो साधना मैं आपको स्नेहा को सिखाने वाली हूँ। जिसको भी एक किन्नरी साधना चाहिए, क्योंकि एक चंडाल रूपनी होती है और किन्नरी साधना एक ऐसी चंडाल साधना होती है जिसको करने से या करवाने से, जो सिद्धि करने से, आप हर तरह के इंसान के दिमाग पर काबू रख सकते हैं, हर एक इंसान के दिमाग पे काबू रख सकते हैं, लोगों का भूत भविष्य जान सकते हैं। ये खास करके तांत्रिकों के लिए है। और दूसरा, खास करके दुश्मनों की बैंड बजाने में तो बहुत पावरफुल रहता है। अगर दुश्मनों को आपको तिल तिल के मारना है, उल्टी करवाना है खून की, तो ये भी एक बहुत बड़ी साधना है। क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर में कितने लोगों को जिन्नात ये सब नहीं चाहिए, उनको कोई स्वास्थ्य चीज़ें चाहिए, तो किन्नरी साधना, किन्नरी चंडाल साधना बहुत ही पावरफुल होती है। ये अगर आप इसको काम दे दो ना, तो ये आपका काम धंधा बढ़ाने में, एक आकर्षण शक्ति करने में, दरवाजे तक दुश्मन ना आने दे, और मतलब हर तरह का वो काम कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता है। तो अगर आपको ये साधना चाहिए तो आप आज ही अपना नाम, फोटो, एड्रेस भेज के, प्रोसीजर भेज के चालू करा लीजिए। क्योंकि कल जब आएंगे सब, तो अनुज सब आएंगे, तभी किन्नरी साधना रात को होगी। उसके बाद हम इसको मंडे को सबको ये साधना मंत्रों के साथ दिया जाएगा, क्योंकि मंत्र के साथ देने पे आपको देखना सपने में सबसे पहले कोई ना कोई किन्नर आके आपको दर्शन देगा। किन्नर साधना एक ये जो मैं समाज है समझा रही हूँ वही है, क्योंकि कल किन्नर समाज आ रहा, तो उन्हीं का मतलब अर्ध नारी नारेश्वर, आधा आदमी आधी औरत, उस तरह के अर्ध नारी नारेश्वर के रूप स्वरूप का पूजा आपको मिलेगा, जिसमें आप दुनिया पे राज कर सकते हो। एक जबरदस्त आकर्षण शक्ति आती, कोई आपके आगे चल नहीं सकता। अब दूसरी बात, कल रात को वीडियो बनाई, सब सोचते होंगे कि आखिर माँ क्यों ऐसे पीछे पड़ी है, क्यों ऐसे बोल रही है। मैं पीछे इसलिए पड़ी हूँ कि सामने वाला मेरे केशव के पापा के पीछे पड़ा है। मुझसे तो भिड़ नहीं सकता ना, मुझसे तो लड़ नहीं सकता ना, तो वो रह रहे के केशव के पापा को टारगेट बनाते, जो कि उनसे अब कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनको टारगेट बनाने का मौका किसने दिया, मारे खुद के उनके अपनों ने। मैं जानती हूँ सब लोग बार बार बोलेंगे कि क्यों आती है, इनडायरेक्टली मैं बोलती हूँ, मैं ऐसे बोलती नहीं, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद या शाम तक एक ऑडियो भेजूँगी। मैं बोली थी ना, जो ऑडियो 18 मार्च से लेकर जब तक वो मेरे घर पे था, मतलब 8 मई तक, तब तक के ऑडियो में बीच बीच में उसने जो भी केशव के पापा के लिए कहा है कि लॉकडाउन ख़त्म होने दो, उसको पहले मैं उड़ा दूँगा, ये कर दूँगा, उस ऑडियो से आपको समझ में आएगा कि उसने मुझे कितना डिप्रेशन में डाला था और मैं कितनी डिप्रेस में थी। और वो बार बार किसका नाम ले रहा है, आप देखना, उसने बार बार लड्डू की मम्मी का नाम ले रहा है, केशव के पापा की वाइफ का नाम ले रहा है, वो आ गए ये वो करके, उसे कैसे पता है सब। और ये सब मौका किसने दिया, मैंने उन लोग ने दिया। मैं देखो बार आप सोचोगे बार बार मैं उनका नाम लेती नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनके ऊपर, मैं उसको यही मैसेज पहुँचाती हूँ, सोचेगी कि क्यों मेरा नाम ले रहे। नाम इसलिए ले रहे हैं कि वो जानती है गलती उसने की है, उसको इस गलती की सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है, और वो सज़ा ऐसी वैसी नहीं रहेगी, वो विद्या देवी रहेगी। क्यों मालूम है आपको, मैं बताती हूँ आपको, जब हमारा लड्डू जन्मा था ना 13 दिसंबर को, तब यकीन नहीं मानेंगे, उस लड्डू का नसीब इतना अच्छा था कि 12 दिसंबर को ही मैंने उस आरिफ शेख को लड्डू, ये क्या बोले, केशव के पापा की पगार, तब वो काम करते थे ना मेरे पास, तब मैंने उसकी पगार उनको दे दी थी कि इसको पगार दे देना, क्योंकि हमेशा वो कह रहा था कि इसका कभी भी बच्चा हो सकता है, इसको ज़रूरत है कि पैसे की, मैंने एक दिन पहले दी थी। और लकीली हमारा लड्डू 13 दिसंबर को सुबह सुबह जन्मा था। अब यकीन नहीं मानोगे इस बंदे ने क्या किया रहेगा, सोचो, केशव के पापा जब सुबह 8 बजे उठे, उनको खबर आई कि बच्चा हो गया, तो उनको किसी ने बताना ज़रूरी नहीं समझा, रात को दर्द वर्द उठा था, लेकिन सुबह जब वो उठे थे एकदम खुश हो गए, आपको सच बोलूँ खुश हो गए, मेरे एकदम खुशी से मेरे गले लग गए थे। मैंने उनको बोला जाओ फटाफट जाओ, तो वो मुंह बना के बैठ गए। मैंने क्यों क्या हुआ, तो बोलते हैं कि जाऊँ कैसे, पैसे नहीं है मेरे पास, मेरे पैसे नहीं है, कल रात को तो मैंने पगार दिया उनको, बोलते वो दे नहीं, अभी तक दिया नहीं है। उसके बाद मेरे को याद है कि मैंने केशव के पापा को बोला कि आप उसको फ़ोन लगाओ ना, तो उस आदमी ने उस वक्त उसको कम से कम हज़ारों कॉल लगाए रहेंगे, लेकिन वो बंदा जानते बूझते, उसको पता चल गया था कि उसको बच्चा हो चुका है, जानते बूझते उस बंदे ने 1 बजे तक अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखा था।
आप सोचो, यहाँ तक कि मेरे केशव का पापा उसके घर के नीचे, उसके बिल्डिंग के जाके, बिल्डिंग के नीचे जाके खड़े थे कि मेरी पगार दे तो मैं जाऊँ। हालांकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने केशव के पापा को उस वक्त फिर अपने पास से थोड़े बहुत पैसे दिए थे कि तुम जाओ, मिठाई विठाई लगेगी, खुशी मिलेगी। तो केशव के पापा ने सबसे पहले मेरे घर में आके मिठाई खा के उधर वो किया था। यहाँ तक कि लड्डू की मम्मी के लिए हमने गिफ्ट तक भेजा था कि मैंने केशव के पापा को कहा था कि जाके गिफ्ट देके बोलना थैंक यू मुझे पापा बनाने के लिए। तो बाद में हमें बहुत कुछ पता चला, उसकी बात नहीं है, लेकिन ये बाद में लड्डू की मम्मी को ये पहुँचाना चाहती कि कुछ बातें उसको पता नहीं है, और कुछ बातें पता करने के बाद उसको शर्म आनी चाहिए कि वो अपने पति से ज़्यादा अपने पति के दोस्तों पर भरोसा करती थी, जिसकी वजह से उसके पति ने इतना कुछ झेला। क्यों मैं उसका नाम लेती हूँ? क्योंकि उस औरत की वजह से मेरे केशव के पापा को हर वक्त जलील किया गया, हर वक्त कुत्ता बनाया गया, हर वक्त उसके नाम से टॉर्चर किया गया। अगर वो चाहती ना तो बहुत पहले बोल सकती है, क्योंकि ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बात मेरे सामने हुई है, मेरे सामने बोली गई है। कॉल रिकॉर्ड अगर जिस दिन चेक किया गया ना, और सच्ची बोलूँ मुझे तो पता नहीं, मैं तो जानती हूँ बात हुई है कि हुई है, लेकिन भले सब झूठ ला रहे, लेकिन सच बोल रही हूँ, जिस दिन मेरे सामने, अभी तक तो मैं बहुत सारा पुख्ता खो रही हूँ, कि जिस दिन पूरा क्लियर आ जाएगा कि ये बात हुई है, इस तारीख को हुई है, उस दिन देख लेना सबसे पहले विद्या देवी आगे खड़ी रहेगी। उस दिन उनको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जिस जिस तरह मैं आरिफ शेख के पीछे पड़ी हूँ, उस दिन मैं उसके सामने भी खड़ी रहूँगी। क्योंकि देखो, मेरा गुस्सा, मेरा सब कुछ बस एक ही बात पर है, दुश्मनी मेरे से थी। केशव के पापा ने क्या बिगाड़ा था, और आज भी केशव के पापा को ही टारगेट बना रहे हैं। अब देखो, केस मैंने किया है, तारीख मैं डाल रही हूँ, लेकिन गाड़ी के बहाने, इसके बहाने उनको ही टारगेट बनाया जा रहा है। तो जो रिकॉर्डिंग में भेजूंगी ना, आप वो रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुनना वो क्या बोल रहा है, और वो रिकॉर्डिंग में बस सेफ है सब। मैं सिर्फ एक वीडियो बना के बता रही हूँ, वो कुछ 8-10 रिकॉर्डिंग जाएगी, बाकी की रिकॉर्डिंग मेरे पास सेफ है। उस रिकॉर्डिंग से पता चलेगा, उस रिकॉर्डिंग से उनके घर वालों को भी बोलूँगी, केशव के पापा को, कि देखो तुम्हारे बेटे को किस तरह से तुम्हारी बहू के नाम से टॉर्चर किया गया, किस तरह मुझे टॉर्चर किया, क्या किया गया। और मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मुझे उन पर केस करना है, करना है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए तुम जैसी औरतों पे, कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पति को टॉर्चर किया जाता है, और तुम जैसी औरतें मुंह में दही जमा के ही बैठी रहती हैं। क्या करना है, क्या करना है, फिर क्या माचुदाने के लिए आती हैं यहाँ पे? सॉरी, मैं गुस्सा आता है तो बोलती हूँ, क्योंकि जब जब मैंने कल वो रिकॉर्डिंग सुना ना, फिर से वो रिकॉर्डिंग सुना ना, फिर वो ज़ख्म ताज़ा हो गए क्योंकि मुझे 21 तारीख को जाना है, तो मैं ज़ख्म ताज़ा हो गए। उस हर रिकॉर्डिंग में वो एक ही बात कहता है, और क्या कहता है वो सुनिएगा आप लोग। मैं किसी को गाली नहीं दे रही, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ एक ही बात से मतलब है कि एक की गलती की सज़ा मेरे केशव के पापा ने भुगती है, समझ रहे हो? क्योंकि उस बंदे ने हमेशा या तो मुझे टारगेट बनाया है, या तो उस औरत का नाम लेके मेरे केशव के पापा को टारगेट बनाया। सोचो, मेरा केशव के पास 5 साल बाद एक छोटा सा बच्चा गोद में आने वाला था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। वो तो छोड़ो, मैं दोपहर को कह रही हूँ कि चलो हम बच्चा देख कर आते हैं, मैं कभी किसी के बच्चे को देखने नहीं गया। आपको याद होगा मैं बच्चे की फ़ोटो डाली थी, मैं बच्चे को देखने जा रही हूँ, और मैंने सिर्फ गलती से बता दिया कि मैंने थोड़ा बहुत पैसा दिया था। उस बंदे ने केशव के पापा के लिए कितने अशब्द बोले थे, अरे मैं अपने बॉयफ्रेंड को पैसे दे रही हूँ, मेरे को पता है, मैं खुशी हो रही है कि उसका बच्चा आ रहा है, मैं उस खुशी में उसको पैसे दे रही हूँ। उस बंदे को इतनी बात तो बुरी लगी थी, उसको बिल्कुल भी खुश नहीं था कि वहाँ पे बच्चा हुआ है, उसको देखने जाना हो, तो जाना भी नहीं चाहता था। और जाने के बाद भी उसने करीबन 2 दिनों तक केशव के पापा को उसकी पगार नहीं दी थी, यहाँ तक कि केशव के पापा के साले का अकाउंट नंबर लेने के बाद भी उसको पगार नहीं भेजी थी। इस तरह का ये कमीना इंसान था, क्योंकि खुद तो निर्बंस ही था, खुद की तो औलाद नहीं थी, तो दोस्त की औलाद देख के तो जान जलेगी ना। लेकिन ये सारा कुछ मैं क्यों बता रही हूँ, मैंने ये घर वालों तक मैसेज पहुँचा रही हूँ कि सोचो, तुम्हारे घर की एक गलती ने मेरे केशव के पापा को कहीं का नहीं छोड़ा था, मरने तक का नहीं छोड़ा था, एक आदमी ने तुम्हारे घर की कमजोरी डाल के उसको किया था। आज भी इतना दम नहीं है, आज भी ये दम नहीं है कि अगर गाड़ी नहीं मिल रही है तो जाके कंप्लेन करो पुलिस स्टेशन में कि ये बंदा मेरे नाम पे गाड़ी लेके घूम रहा है, मुझे गाड़ी वापस नहीं कर रहा है, एक कंप्लेन करो, सारा पुलिस ढूंढ के लाएगी। लेकिन नहीं, मर रहे तो केशव के पापा को हर बात पे उनको ब्लेम आता है, हर बात पे उनको फ़ोन आता है। क्यों करते हो फ़ोन तुम लोग उसको, क्या ज़रूरत क्या है, शर्म नहीं आती है? मैं बिंदास घर वालों को बोल रही हूँ, क्यों करते हो मेरे केशव के पापा को फ़ोन? देख लेंगे हम लोग अपना मालूम, हम लोग की मुसीबत, नहीं करने का फ़ोन, कोई भी हो, भाई हो, बाप हो, माँ हो, कोई फ़ोन नहीं करने का। जब मुसीबत में मरने के लिए छोड़ दिया था, आज क्या करने के लिए फ़ोन करते हो, नहीं करने का। बख्श दो मेरे केशव के पापा को, हाथ जोड़ती हूँ मैं, नहीं तो जिस तरह से गेहूँ के साथ घुन पीसेगा ना, मैं सबको पीस लूँगी, कोई नहीं आने का मेरे केशव के पापा के बीच में। छोड़ दिया था ना मरने के लिए, हाँ, किसी ने देखा उसको, किसी ने संभाला उसको जब वो मर रहा था, नशे में था, कोई गया पुलिस स्टेशन?
कि चलो मेरे लड़के को बर्बाद करे, लड़के को मारे, कोई गया था नहीं गया था? तब तो विद्या देवी खड़ी, तब तो विद्या देवी पे आ रहा था। अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को एक आदमी को बेफालतू में परेशान करते हुए? अरे मैं हूँ उसके पीछे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे केशव के पप्पा का। और क्यों पता है? क्योंकि वो आदमी सीधा है, वो बोलता नहीं है, लेकिन बोलने मेरे को आता है। अपने घर की इज्जत को तो डांटने आता नहीं, जिसकी वजह से इतना कांड हो गया। उसको तो कभी एक झापड़ मारा नहीं कि साली तेरी वजह से इतना सब कुछ हो गया, तूने बताया क्यों नहीं हम लोग को? उसको कभी सवाल किया क्या? ले दे के घूम फिर के बस केशव के पप्पा के कान में डंडा डालने का। मैं देखना नहीं चाहती हूँ, मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। फ़ोन आना चाहिए, नहीं करने का मेरे केशव के पापा को फ़ोन। रहो अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश सब लोग। जब मरने को छोड़ दिया था ना, तो मर गया है तुम्हारे लिए, अभी जिंदा मेरे लिए है। अरे एक आदमी को तुम लोग खुश नहीं देखना चाहते, माइंड वो अपने आप से खुश है सब कुछ, और मैं हूँ संभालने के लिए। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो दिल से सॉरी, लेकिन ये बात जो है ना, जब उठेगी ना तो पता चलेगी। आने तो रिकॉर्डिंग सुनना रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग अभी मैं डालने जा रही हूँ थोड़ी देर बाद, वो रिकॉर्डिंग सुनना। देखो वो आदमी कैसे तुम्हारे लड़के के लिए शब्द यूज़ करता था। मार डालूंगा, हाथ पैर काट डालूंगा, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, ऐसा करूंगा। अरे साले एक अंधे से, एक छोटे से गुंडे से तुम लोग डर रहे थे? हाँ, इतना बड़ा साम्राज्य, इतने बड़े जय भीम वाले हो, तुम्हारे में इतनी ताकत नहीं थी कि जाके पुलिस स्टेशन में करो उसको गिरा के मारो? इतनी ताकत नहीं थी तुम लोग में? डरपोक हो गए तुम लोग? अरे तुमसे भरी तो मैं हूँ फिर तो, सारा दुनिया से लड़ती तो हूँ अपने केशव के पापा के लिए। जब लड़ती हूँ तो मेरे को आके सुनने का, मैं किसी को गाली गलौज नहीं करूँगी। एक ही बात है, जब तब नहीं आए ना तो अब नहीं परेशान करने का, हम देख लेंगे, हम अपनी मुसीबत देख लेंगे। क्या लगता है? वो गाड़ी तो अपने आप घूम के आएगी, और नहीं आएगी तो हम लोग देखा जाएगा, लेकिन परेशान नहीं करने का, घूम फिर कर टॉर्चर नहीं करने का। वो तो निठल्ला है ना, वो तो बेकाम का है ना, उसको तो कुछ काम नहीं आता है ना। क्यों है ना तुम्हारे पास, तुम्हारा बड़ा बेटा सो कॉल बहुत ज़्यादा, बहुत कहते हैं ना रामचंद्र की औलाद, उसको पकड़ो ना, उसको छोड़ दो, क्यों उसके पीछे पड़े हो भाई? वो तो निकम्मा है, नचेड़ी है, ये सब है बोलते हो ना, तो क्यों पीछे पड़े हो? नहीं पढ़ने का पीछे मेरे केशव के पापा के, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं। मेरे को एक ही बात का गुस्सा है, जब तब नहीं तो अब क्यों? मत परेशान को रहना है, अच्छे से रहो, खुश रहो, सब पर ध्यान देता है, लेकिन टॉर्चर करने के लिए, सब करने के लिए, उसको दिमाग डिस्टर्ब करने के लिए फ़ोन करके टेंशन नहीं देने का, समझ रहे? टेंशन देंगे मैं साथ में रहती हूँ, मैं फिर मैं महाकाली का रूप बन के खाऊंगी तो मुझे बोलने का नहीं, बात ख़त्म। क्योंकि मुझे पता है वो बंदा बोल के नहीं दिखाएगा, वो सबकी इज्जत करता है, लेकिन मुझे आता है बोलने के लिए। पति नहीं बोलेगा तो बीवी नहीं बोलेगी क्या? मैं उन बीवियों में से नहीं हूँ कि दोस्तों पे जाके पूछूं कि मेरा पति क्या कर रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है। मैं डायरेक्ट जाके अटैक करूँगा, और मुझे कहीं पता चले ना कि मेरा केशव का पापा किसी औरत से बात करें, मैं केशव का पापा से भी नहीं पूछूंगी, मैं उस घर में जाकर उस औरत को गिरा के मारूंगी, और उसका क्या हाल करूंगी वो तो बाद में केशव का पापा बाद में आके देखेंगे। ऐसी हूँ मैं, समझ रहे हो? मैं दोस्तों के बातों में भरोसा करके मुँह में दही जमा के घर में नहीं बैठूंगी। तो बस सब करने का, मेरे केशव के पापा तक नहीं आने का, उसको परेशान नहीं करने का। परेशानी देखने के लिए विद्या देवी यहाँ बैठी है उसकी, उसको चैन से खाने दो, पीने दो, अच्छे से रहने दो। और दूसरी बात, आप सब देखिएगा ये रिकॉर्डिंग में भेज रहे हो, उस रिकॉर्डिंग में जब सुनेंगे ना आप लोग, तब आपको पता चलेगा विद्या देवी गलत है कि सही है, ये देखना आप। जय माता दी।